डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग बड़ा इम्पॉर्टेंट यूज पढ़ेंगे जिनके टाइटल है कंडीशनल सेंटेंसेस। समझ रहे ना, कंडीशनल वाक्य क्या होते हैं, अब इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और ट्रांसलेशन का यह क्रम आपको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो हम चाहेंगे कि चैनल पर यदि आप नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब के साथ ही साथ घंटी बजाना न भूलें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट अपलोडिंग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइमली मिले। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। स्थिति समझ रहे हैं, कंडीशन माने स्थिति, दशा। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कुछ न कुछ कंडीशन होती है और ऐसे वाक्य प्रायः ध्यान दीजिएगा यदि से प्रारंभ होते हैं। किससे? यदि, यदि से प्रारंभ होते हैं और तो भी उनके बीच में आता है और वाक्य की स्थिति और होती है। बात समझ रहे हैं, एक कंडीशनल सेंटेंस प्रायः यदि से शुरू होते हैं, बीच में तो भी आता है, कभी कभी अब तक से भी शुरू होते हैं। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं इसको। जैसे कहा जाए कि यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बात समझिएगा, यदि तुम आओगे, आप देखिए मैं दिखाता हूं, यदि तुम आओगे, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब आप यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि यहां पर ये मैंने भी कहा कि यदि से प्रारंभ होते हैं वाक्य, आप देख रहे हो कि यहाँ यदि है, यदि तुम आओगे, यहाँ बीच में तो आ गया, तो यहाँ यदि है, यहाँ तो आ गया, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्रायः कंडीशनल सेंटेंस में वाक्य दो क्लॉज में बटा होता है। समझ रहे ना, दो क्लॉज में बटा होता है। यदि आप देख रहे हैं यहाँ किधर है, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये दो वाक्य, ये सेंटेंस दो क्लॉज में बट गया। एक को कहा जाता है यदि से शुरू होने वाला वाक्य कहा जाएगा इफ क्लॉज। इफ क्लॉज है यदि वाला क्लॉज, और दूसरा क्लॉज जो है यह एक प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रधान उपवाक्य, क्लॉज की हिंदी उपवाक्य। तो अब यहां पर आप समझ रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे यदि पानी बरसेगा तो मैं समय से स्कूल नहीं पहुंच पाऊंगा। भाई यदि पानी बरसेगा तो समय से स्कूल नहीं पहुंच पाऊंगा, बात समझ रहे हैं। यदि मैं प्रिंसिपल होता, यदि मैं प्रिंसिपल होता तो परीक्षा में कदापि नकल नहीं होने देता। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो ऐसे अमुक कार्य को ऐसे किया करता। माने जब वाक्य कल्पना होती है, कभी कभी इफ क्लॉज पास्ट टेंस में भी होते हैं, कुछ पास्ट एक्शन को प्रकट करते हैं। जैसे यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। यदि गीता स्कूल गई होती तो निश्चित रूप से वह क्लास टू की अधिकारी बनती। पास्ट में भी होता है इफ क्लॉज, प्रेजेंट में भी होता है इसका ट्रांसलेशन। तो प्रायः ये इफ वाले क्लॉज प्रेजेंट और पास्ट में होते हैं। किस तरह से इनका ट्रांसलेशन करते हैं हम, इसको आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। घड़ा ये नहीं, हम इस कंडीशनल सेंटेंस को अलग अलग पार्ट में देखेंगे। तो इसका फर्स्ट रूल है फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिए, बल्कि नोट करते चलिए पेन कॉपी के साथ। पहला रूल है सर, नोट कीजिए आप, यदि
वाक्य, यदि वाक्य के दोनों क्लॉज, यदि वाक्य के दोनों क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो, नोट कीजिए, यदि वाक्य के दोनों क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो तो इफ वाले क्लॉज का अनुवाद, तो इफ क्लॉज का अनुवाद हम सदैव किस में करेंगे, प्रेजेंट टेंस में, किस में करेंगे, प्रेजेंट टेंस में। तो सब जो आएगा तो के लिए हम कुछ नहीं करते, तो के जगह पर सिर्फ कामा लगाएंगे। इफ क्लास का अनुवाद प्रेजेंट में, तो का अनुवाद जो है तो के लिए हम केवल कामा का प्रयोग करेंगे, बाकी शेष वाक्य का अनुवाद हम कैसे करेंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट में। गोल्ड फोकस करना जी, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में करेंगे। यहां पर तीन कंडीशन आप देख रहे हैं, यदि देखिए यहां पर, यदि तुम आओगे, ये आप देख रहे हो, यदि आओगे लगा हुआ है, इसका मतलब फ्यूचर इंडिफिनिट, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यहां भी फ्यूचर इंडिफिनिट में है। तो जब किसी भी वाक्य के दोनों क्लास, इफ वाला क्लास भी आओगे, यहां करूंगा, गा दी जहां समाप्त होता है, फ्यूचर में ही तो होता है ना। तो वाक्य के जब दोनों क्लॉज फ्यूचर में हो तो हम अनुवाद करने का क्या रेगुलेशन है, उसको आप इफ वाले क्लॉज का अनुवाद करेंगे प्रेजेंट टेंस में, समझ रहे हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में करेंगे। तो के लिए हम कोई अनुवाद नहीं करते, तो के जगह पर सिर्फ कामा लिखेंगे, और बाकी शेष वाक्य जो है उसका अनुवाद सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल, हम ऊपर लिखा हुआ है स्क्रीन पे देखिए, चलिए लिखा है, यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब आप देख रहे होगे इफ वाला क्लॉज है, यदि की अंग्रेजी होती है सीधे इफ, तुम आओगे, देखने में तो फ्यूचर है लेकिन दोनों क्लॉज फ्यूचर में है, इसलिए कदापि हम इसका अनुवाद फ्यूचर में नहीं करेंगे। तो यदि तुम आओगे का अनुवाद हम करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में, बात समझ रहे हो। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है, यदि तुम आओगे नहीं बल्कि मान, चलिए आप दिमाग में रखिए, यदि तुम आते हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो इफ लगा दिया हमने यदि के लिए, तुम के लिए यू, इफ यू आना होता है काय माने कम, अगर ये यू के जगह पर किसी और एक वचन का सब्जेक्ट होता तो हम कम कर देते, लेकिन यू आई वी यू दे प्लूरल में है इसलिए कम ही दिखेंगे। इफ यू कम, यदि तुम आओगे तो के लिए हम सिर्फ कामा लगाएंगे, इफ यू कम तो के लिए कामा होगा, यदि तुम आओगे तो। अब जो वाक्य बचा शेष, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इसके हम फ्यूचर में कर देंगे, आपने फ्यूचर टेंस पढ़ा है। यदि किसी बच्चे को टेंस के किसी भी भाग में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने टेंस की सेपरेट वीडियो दिया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा का अनुवाद हो जाएगा आई शैल, लगाएं चाहे विल, ये आप फ्री हैं दोनों के लिए, हेल्प यू। यहां पर जो मैंने शैल और विल दोनों का प्रयोग किया है तो आप ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट पढ़ाते समय मैंने बताया था कि फ्यूचर में आई वी के साथ शैल किताबों में मिलता है, ये रिगुलेशन है, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज लोग नहीं करते हैं प्रॉपरली, स्पोकन में तो बिल्कुल यूजलेस हो चुका है शैल, हर समय हर शब्द के साथ प्रत्येक कर्ता के साथ फ्यूचर में विल का यूज होता है। तो हम तो चाहेंगे कि आप भी यूज कीजिए, यदि आप हैबिचुअल नहीं हैं तो आप शायद भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन केवल विल लिखेंगे सबके साथ तो भी गलत नहीं रहेगा। तो वाक्य बनेगा इफ यू कम, यदि तुम आओगे तो आई शैल हेल्प यू या आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आपने देखा कुछ, क्या देखा कि इफ वाले क्लॉज का अनुवाद इफ यू कम प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा और ये अनुवाद हुआ इसमें फ्यूचर में, देख रहे हैं आप, ये हुआ फ्यूचर में और ये हुआ है प्रेजेंट में। तो आइए अब देख रहे हैं, क्या देखते हैं, नोट कीजिए,
दूसरा उदाहरण क्या है, यदि पानी बरसेगा, यदि पानी बरसेगा या यदि वर्षा होगी तो वह समय से नहीं आएगा। यदि वर्षा होगी तो वह समय से नहीं आएगी। और यदि वर्षा होगा तो वह समय से नहीं आएगी। अब यहां पर आप क्या करेंगे भैया, यहां भी आप देख रहे हैं कि यहां वर्षा होगी, यहां आएगी, दोनों आप फ्यूचर में हैं, तो इफ वाले क्लास का अनुवाद आप कहां करोगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। यदि वर्षा होगी, यदि के लिए आप चीजें लिखेंगे इफ, वर्षा के लिए इट होता है, हमने सेपरेट वीडियो दिया है इट का यूज कहां होगा, यदि आपको कंफ्यूज होगा तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। इफ इट, इसीलिए तो कहता हूं ना कि चैनल सब्सक्राइब होगा तो आप कोई भी मेरा वीडियो सर्च कर सकते हैं, हमने डिटेल उसमें पूरे मॉडल्स, पूरे प्रीपोजिशन, टेंस, वॉइस का डिटेल दिया है। यदि कहीं किसी छात्र को पढ़ने में कोई समस्या हो रही है तो बच्चा आसानी से सर्च करके उसको डिटेल पढ़ सकता है। यह चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो जितना आपको भेजा जाएगा उतना ही आप पढ़ पाओगे, इसलिए सब्सक्राइब करना मस्ट होता है। तो चलिए, यदि वर्षा होगी, इफ इट, अब होगी के लिए आप मानिए होती है, रेन, इट एक वचन है इसलिए रेन में यस लगेगा। इफ इट रेन्स तो के लिए सिर्फ कामा लगाइए, इफ इट रेन्स वह समय से नहीं आएगा, क्या हो जाएगा इसका बोलिए, वह समय से नहीं आएगी, आएगी है इसलिए यहां हो जाएगा सी विल नॉट कम इन टाइम। यदि आप चाहें तो समय से के इसी में नॉट कम टाइमली भी कर सकते हैं, तो फिलहाल इजी वे में मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए आप समझिए, सी विल नॉट कम इन टाइम। इफ इट रेन्स, यदि वर्षा होगी तो वह समय से नहीं आए, समझ रहे ना। चलिए नेक्स्ट नोट कीजिए, नेक्स्ट लिखिए, यदि यदि हाजी तेज दौड़ेगा तो समय से आ जाएगा। यदि हरी तेज दौड़ेगा तो समय से आ जाएगा, आप देख रहे हैं ये कंडीशन बन रही है, तो कैसे लिखेंगे, यदि के लिए आप लिखेंगे इफ, हरी है सब्जेक्ट तो लिखेंगे हरी तेज दौड़ेगा, हरी एक बचन है तो आप लिखेंगे सीधे रन्स फास्ट, इफ हरी रन्स फास्ट, यानी तेज दौड़ेगा तो ये सिर्फ कामा, तो समय से आ जाएगा, कौन आ जाएगा, वह, तो के बाद सीधे आप सब्जेक्ट लिखिए, भले यहां नहीं दिया है तो ही समय से आ जाएगा, ही विल कम, अब समय से है तो आप चाहे टाइम नहीं लिखें और चाहे लिख दीजिए इन टाइम, ही विल कम इन टाइम या ही विल कम टाइमली फुल स्टॉप, समझ रहे हैं क्या बात, समझ आ गई नहीं। आप लोग पढ़ते थे और वीडियो को लाइक नहीं करते, कंप्लेन मैं करूंगा, इतनी इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलती है लेकिन आप लोग इस बात में बहुत कमी करते हो। बच्चों लाइक करने से मुझे भी थोड़ा सा संतुष्टि मिलती है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, जिस उत्साह और जोश के साथ आप लोग पढ़ रहे हो, व्यूज बताता है कि आपने तेजी से स्टार्ट किए पढ़ाई, लेकिन लाइकिंग बताता है कि आपने कोई और ध्यान नहीं दिया, तो पढ़ने में लगे रहते हो, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। तो इफ हरी रन्स फास्ट ही विल कम इन टाइम,
यदि तेज दौड़ेगा, देख रहे हैं यहाँ भी धा दे दी है, दौड़ेगा फ्यूचर में है, यहाँ भी फ्यूचर में है, तो ये स्थिति बनी। तो अब हम चलेंगे बिना बताइए। तो फ्रेंड्स एक होमवर्क अपलोड कीजिए, होमवर्क लिखिए, यदि तुम मेरे पास आओगे, नोट कीजिए, हिंदी होमवर्क है आपका, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर सुन लीजिए, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये होमवर्क है, इसका ट्रांसलेशन आप लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से टाइप करके बताइए। यदि आप सही पढ़ रहे हैं तो आप करके मुझे उत्तर दीजिए, मुझे भी लगेगा कि वास्तव में बच्चे पढ़ रहे हैं, यदि नहीं तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो बस इतना ही, अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्लान में। आपके मंगलमय भविष्य की कामना करते हुए आज का लेक्चर मैं बंद करता हूँ। थैंक्स।